शीला के रसोई में आप लोगों को स्वागत है। आज चलिए केला और ब्रेड से एक नया तरह के मिठाई बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। ये 4-5 पीस ब्रेड है। ब्रेड को तोड़ करके जार में डाल देंगे। आज ब्रेड और केला से दूध से मिठाई बनाते हैं। देखिए आप लोग भी अपना घर में बनाइएगा। इसको जाते हैं मिक्सी में चला देने। इसको ब्रेड का देखिए कितना अच्छा चूरा की तरह तैयार हो गया। देखिए हो गया ना, पूरा महीन हो गया। अब इसको यहाँ नीचे रख देते हैं, गैस जलाते हैं। पैन गरम हो गया है। देखिए केला जो है इस तरह से एक और केला डालते हैं। ऐसे तोड़ दीजिए ऐसे करके। अब फिर आप आके इसको ऐसे करके महीन कर लीजिए धीरे धीरे। सब इसको ऐसे करके धीरे धीरे। और इसमें 500 ग्राम दूध है क्रीम वाला, क्रीम सहित है, छाली जो ऊपर पड़ जाता है उस सहित है। इसको धीरे धीरे इसमें मिलाना है केला में। धीरे धीरे ये पकेगा। पका करके उसके बाद देखिए आगे हम क्या करते हैं। इस तरह से आप लोग घर में भी मिठाई बना सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे लकड़ी के सहारा से, छोलनी के सहारा से इस सबको धीरे धीरे केला को दूध में थोड़ा मिक्स कर देना है। इस तरह से धीरे धीरे पकेगा। जो इलायची है उसको थोड़ा सा कूट करके डाल दिए। बहुत अच्छा मिठाई बनेगा। इस तरह का मिठाई तो आप लोग नहीं बनाए होंगे। देखिए ब्रेड को जो पीस लिए थे वो देखिए इसमें डाल देना है। इसको धीरे धीरे इसमें मिलाना है। इसी तरह धीरे धीरे कम गैस पर इसको पकाना है अच्छे से। जब अच्छे से पक जाए तो फिर आपका पैन से छोड़ने लगेगा, क्योंकि केला है, दूध है, ब्रेड को डाले हैं। इलायची का हर कोई भी मिठाई बनाइए उसमें इलायची डालने से इलायची का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हर मिठाई में आदमी डालते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से थोड़ा सा और पकेगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा और पकेगा। बहुत टेस्टी मिठाई बनेगा। आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा, बच्चे लोग को खिलाइएगा। और केला तो इसे भी प्रोटीन भरपूर होता है, दूध है। ये बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है मिठाई को पूरा प्रोसेस में। थोड़ा सा और पकेगा। अब जो है पूरा पक गया है, तैयार हो गया। अब इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। हो गया, तैयार हो गया। गैस बंद कर देते हैं।
कढ़ाई इधर गर्म हो रहा है और इधर चाशनी बना रहे हैं। एक गिलास पानी डाल रहे हैं और फिर 250 ग्राम चीनी है, इसको चाशनी तैयार कर रहे हैं। इधर चाशनी तैयार कर रहे हैं, 10 मिनट लगेगा, चाशनी तैयार हो जाएगा, उसके बाद आगे दिखा। ये चाशनी तैयार हो रहा है। इधर जो बनाए थे केला और दूध है, ब्रेड, तीनों का जो मिक्स किए हैं उसको अच्छे से मिला लेना है। ठंडा हो गया है, इसको गोल गोल आकार दे करके बनाना है। थोड़ा सा हाथ में घी का सहारा लेना होगा तब गोल गोल बनाना है। ऐसे सहारा लेकर के घी का और छोटा छोटा इसको गोल बनाना है या लंबा बनाइए, काला जामुन की तरह ऐसे करके गोल गोल बना करके ऐसे रखिए। फिर इसको घी में फ्राई करना होगा। घी में फ्राई करिए या रिफाइन में करिए, आप जिस तरह बनाकर खाइएगा उस तरह देखिए। ये नया तरीका का हुआ मिठाई आपका, इस तरह से जरूर घर में आप लोग भी बनाकर खाइएगा, बहुत टेस्टी। हम तो बनाकर खाए हैं कितने बार, आप लोग के लिए बना रहे हैं। इस तरह से गोल गोल करके बना करके सबको इस तरह से आकार दिए हैं मिठाई का, देख लीजिए बना लिए हैं। इधर चाशनी तैयार हो गया, देखिए ऐसे चाशनी को तैयार करना है। बस इसमें तार नहीं आता है, आपका चाशनी तैयार हो गया। देखिए गैस को बंद कर दीजिए इधर, कढ़ाई गर्म हो गया और घी में मिठाई को फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म है, लोहा का कढ़ाई है इसलिए काला दिखने में है। अब इसको ऐसे करके इसमें फ्राई करना है। देखिए कम घी है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आप ऐसे करके देखिए फ्राई होगा, एकदम लाल लाल करके फ्राई कर लेना है। अच्छा इस तरह से धीरे धीरे कम गैस पर इसको पकाना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, वाह। घर में सब चीज रहता है, बनाना चाहिएगा तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि ब्रेड हर घर में रहता है, केला पका हुआ रहता ही है, घी है, दूध सबके घर में रहते हैं। आपके घर में गेस्ट आ गए हैं और मिठाई खिलाने का मन है आपको, तो बस मिठाई बना लीजिए और खिलाइए गेस्ट को भी, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको उलटाते पुलटाते रहना है, जलना भी नहीं चाहिए लेकिन एकदम पूरा रेड हो जाना चाहिए। इस तरह से हो गया है। अब इसको इस तरह से इस चाशनी में डुबा देना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए। और फिर इसको गोल वाला आकार का इसमें डाल देना है।
आकार देने से अच्छा लगता है मिठाई का। देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे सब भी डाल सकते हैं, आराम से पक रहा है। देखिए ये रस में जा करके देखिए पूरा रस जो है अंदर में मिल जाएगा, रस जो है ना मिठाई एब्जॉर्ब कर लेगा, अब पूरा एकदम अंदर तक रस चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए मिठाई तैयार हो गया है। अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेरा मिठाई को देखिए कितना अच्छा मिठाई है। इस तरह से मिठाई आप लोग अपना घर में बनाइएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है मिठाई। देखिए कितना अच्छा मिठाई है, ऊपर से थोड़ा सा कागजी बादाम को कटिंग करके डाल दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको खाने में। थोड़ा काट कर भी आपको दिखाते हैं, देखिए वाओ, देखिए एकदम पूरा गल गया। देखिए इस तरह से